अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथातः त्वं आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ईश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को, आठ वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहे कस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेशम्।
देश यच्चान्यद्रेष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तु शाम शक्यसे द्रेष्टुम् नैनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख।